हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत करते हैं बिहार बोर्ड का नंबर वन चैनल। आज की वीडियो में मैंने केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर लिया हूँ, आवलम भस्म और लवण। इनमें से मैं टॉप 25 VVI मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन के देख रहे हैं, इसमें क्या करा है। बहुक्षारक अम्ल के साथ आंशिक उदासीनीकरण से प्राप्त होता है, यानी बहुक्षारक अम्ल के, यानी कि बहुक्षारक, बहुत सारा क्षारक और अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण से जो प्राप्त होता है वो होता है अम्लीय लवण होता है। एक का जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त में भी शेयर करेंगे, ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सके। चलिए, अपने स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा। इसमें करा है, निम्नांकित में कौन क्षारीय की ऑक्साइड है, क्षारकीय ऑक्साइड कौन है, ठीक है। तो SO2, NO2, P2O5 या Na2O। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा। सोडियम ऑक्साइड जो है क्षारक का ऑक्साइड है, ठीक है ना। दो का जो है डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन भी इस प्रकार दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा फ्रेंड्स, निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। जी हाँ फ्रेंड्स, अम्लीय ऑक्साइड जो हो जाएगा ना, इनमें आप देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड ये क्षारकीय है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्षारकीय है, कॉपर ऑक्साइड ये क्षारकीय है। तो इसमें से अम्लीय ऑक्साइड हो जाएगा SO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। इनमें से मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया, इसलिए इस वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देखिएगा और अपने फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड भी इस वीडियो का लाभ ले सके। PbOHNO3 लेट नाइट्रेट है ये, ठीक है। PbOHNO3 किस प्रकार का लवण है ये, तो जिसमें OH लगा हुआ होता है वो क्षारकीय होता है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षारकीय लवण, सी आपका जो है 4 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, हमारे शरीर का pH मान किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है। तो हमारे शरीर में जो pH मान होता है ना, वो होता है 7 से 7.8 के बीच माना गया है। तो 5 का जो है सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे, इसकी राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का pH मान, यानी कि अम्लीय जो वर्षा होता है ना, उस वर्षा जल के pH मान जो है वो कितना होना चाहिए जब वो अम्लीय वर्षा होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 5.6 से कम हो जाए तो उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। 6 का जो है बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड, जी हाँ फ्रेंड्स, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है, श्वेत या पीला या हरा या काला। तो सिल्वर क्लोराइड AgCl का जो रंग होता है वो क्या हो जाता है, वाइट होता है। सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का रंग कैसा होता है, वाइट होता है। सो इसका साइज श्वेत जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा, इस आंसर आपको कमेंट में बताना है। इस क्वेश्चन में कह रहा फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है। तो जिसका pH मान जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा अम्लीय होगा। तो इस ऑप्शन में सबसे कम pH मान किसका है, 1 का है, तो सबसे अधिक अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा pH वैल्यू 1, सो 1 का यानी 8 का जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करिए, और चैनल में फर्स्ट बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस प्रकार, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नांकित में कौन लवण है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको पहचाना लवण, तो लवण जो है ना इसमें NaOH ये तो क्षारीय है, कि OH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षारीय है, HC तो कुछ होता नहीं है। तो इसमें जो नवल लवण की मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा NaCl हो जाएगा, बी यानी कि बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में जो है ना एक नंबर का पक्का ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे बैटरिक अम्ल भी कहा जाता है, उसका अनुसूत्र होता है H2SO4, इसे बैटरिक अम्ल भी कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। चलिए 10 का जो है बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र होता है Na2CO3, जिसे धोबन सोडा भी कहते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र हो जाएगा
11 का ए विल विधि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है जो आयनिक यौगिक उसे कहते हैं जिसे तोड़ने पर आयन के रूप में बढ़ता है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो है आयनिक यौगिक हो जाएगा CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड आयनिक यौगिक होगा। 12 का जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, NaOH क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बताया गया था NaOH क्या है। NaOH आपने पढ़ा है तो ये क्षार ये है, लेकिन सबसे प्रबल क्षार है, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रबल क्षार कौन है, NaOH, ठीक है। प्रबल मतलब जिसमें क्षार की मात्रा अधिक होती है, जल की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NaOH क्या है, एक प्रबल क्षार है जो कि साबुन के झाग में पाया जाता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। 13 का जो है बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। जी फ्रेंड्स, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग हो क्या होता है, हरा होता है। 14 का जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्त में शेयर कीजिए ताकि दोस्त भी इस वीडियो को लाभ ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है जल का पीएच मान। जी हाँ फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जल का पीएच वैल्यू जो होता है जीरो होता है, क्योंकि जल जो है ना उदासीन होता है। तो जिसका उदासीन होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है। सॉरी फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानने के लिए, तो हाँ फ्रेंड्स, उदासीन होता है कितना, 7 में। तो जीएल यानी कि जल का पीएच मान 7 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जल जो है ना उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, इसलिए पीएच मान 7 हो जाएगा। 15 का बी ऑब्वियसली राइट आंसर हो जाएगा, 15 का बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नांकित में कौन एक अम्ल है, कैल्शियम ऑक्साइड ये तो क्षारीय है, कि OH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये तो क्षारीय है, NO2 सोडियम ऑक्साइड ये भी क्षारीय है। तो अम्ल के बारे में पूछ रहा है, अम्ल हो जाएगा HCl अम्ल है। इस ऑप्शन में HCl जो है ना प्रबल अम्ल कहा जाता है, प्रबल अम्ल में HCl का नाम सबसे पहले आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करके अपने दोस्त में भी शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, इसमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स, एक विलयन जो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है तो विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान हो क्या होगा, तो यानी कि अम्ल होगा, तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है, तो 7 से कम जो ऑप्शन है वो 6 हो जाएगा। सो इसका 17 का जो है डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स, एक्वारेजिया मिश्रण में HCl1H3 का अनुपात क्या होता है। तो एक्वारेजिया इसे कहते हैं जिसमें HCl प्लस HCl के 3 और नाइट्रिक अम्ल के 1:3:1 अनुपात, अगर हम जिसमें से कोई सॉल्यूशन है जो 4 ml का है, 4 ml में 3 ml हो जाएगा HCl और प्लस 1 ml हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों का जो ये दोनों मिलकर के एक्वारेजिया होता है, और इसे काफ़ी क्वथनांक वाले धातुओं को गलाने में इसका यूज किया जाता है। तो इसका अनुपात होता है 3:1। 18 का जो है ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से पीएच का मान कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्षारक विलयन यानी कि क्षारकीय का जो मान होता है ना वो 7 से क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो 7 से ज़्यादा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 19 का जो है ना डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला करता है तो इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। जो लाल लिटमस को नीला करता है तो वो क्षार होगा, तो क्षार का पीएच मान क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है। सो इसका राइट आंसर 10 हो जाएगा, यानी कि 20 का जो है डी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को पता लाइक नहीं कि तो वीडियो लाइक करके अपने दोस्त में भी शेयर कीजिएगा ताकि दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है H2SO4, जिसे बैटरिक अम्ल भी कहा जाता है। 21 का जो बी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, नीला थोथा यानी ग्रीन विट्रोल तृतीया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, CuSO4, 7H2O, CuSO4, 5H2O, CuSO4, 4H2O, CuSO4, 10H2O। तो ये सारे ऑप्शन में CuSO4 कॉमन है, तो इसमें जो है ना CuSO4 और 5 गो
ऑक्स यानी कि जल होगा, तो CuSO4 इंटू 5H2O, सो 22 का जो है ना 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ध्यान से देखिएगा, बैंकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है जिसे मीठा सोडा भी कहा जाता है, तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम नाइट्रेट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसका जो है ना सी विल बी दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फ्रेंड्स ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन है, याद रखना है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, जो इसका जो है बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इस सेशन का लास्ट और अंतिम जो है क्वेश्चन है वो ये ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग खुद कमेंट में बताइएगा, मैं आपको ये होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूँ, ठीक है, आप कमेंट में बताइएगा, अगर आप नहीं बता पाइएगा कमेंट में इसका राइट आंसर मैं बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद जय भारत।